हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू ए न्यू व्लॉग। तो गाइस, आज सुबह 5-6 बजे सोए थे और 9 बजे उठ गए, क्योंकि रिसेप्शन वाले ने कॉल कर दिया कि हमारा ब्रेकफास्ट क्या इंक्लूड था यहाँ पे, तो उन्होंने कहा ब्रेकफास्ट का बफर रखने वाला है तो आ जाओ। तो भी जा रहे हैं गाइस ब्रेकफास्ट करने के लिए। गाइस फिलहाल अभी यहाँ पे पापा जी ने एक कार रेंट करी है, आपका ब्रेकफास्ट का बोल देता हूँ। यहाँ पे कॉर्नफ्लेक्स ब्रेड, यहाँ पे फ्रूट्स ख़त्म हो गए, ये आने वाला है अभी, फ्रेंच टोस्ट, पोहे, पता नहीं क्या ये रवा, पता नहीं कुछ नाम था इसका, भूल गया मैं, और इडली सांभर। यार कुछ भी पसंद का नहीं दिख रहा मुझे यार। मैंने तो यहाँ पे बस पोहे लिए हैं, क्योंकि कुछ ज़्यादा मेरी पसंद का नहीं है। बस खाने के बाद मम्मा जी ने पी चाय और पापा जी ने भी चाय और कॉफ़ी दोनों। अब पापा पी रहा है गर्म दूध, वो भी चीनी डाल के। खैर इसकी इच्छा तो नहीं हो रही, लेकिन इसे गले में पता नहीं क्या प्रॉब्लम हो रही है, इस वजह से लेना पड़ रहा है इसे। इसने के कल कुछ ज़्यादा ठंडा खा पी लिया क्या बोलूँ यार इसको मेरे साथ बिठाया। सारे जूस से छोड़े हाँ यार सही है यार, इसको खाने के लिए भी तो पीता ही रह गया है। तो गाइस नीचे से ब्रेकफास्ट वगैरह करके रूम में आ चुके हैं और अभी गाइस थोड़ी देर यहाँ पे रेस्ट करके जाएंगे घूमने के लिए कहीं बाहर, और किधर जाने वाले हो तो मुझे भी नहीं पता, तो देखते हैं। यहाँ से गाइस जो सी व्यू है ना गाइस, बहुत ऑसम दिख रहा है, जैसे आपको लहरें आते हुए दिख रही होगी हल्की हल्की। घर पे आते थोड़ा बहुत रेस्ट वगैरह कर दिया था, रूम में आते सॉरी अपन, पहले समुद्र फिर चर्च फिर स्नोफॉल। नहीं नहीं नहीं, अभी क्या है कंफर्म नहीं है गाइस, लेकिन चर्च और है ना बीच, इन दोनों में से एक जगह पे जा रहे हैं अभी, दोनों जगह जाएगी। इस कार में बैठ चुके हैं। तो गाइस देखिए गगन कार चला रहा है, वाला साइड से कोई सडन गाड़ी आ रही है, बुड्ढा मेरे बीच में बहुत बोलता है। अच्छी चला रहा है अपने डैडी के साथ, और अच्छी चला रहा है, कॉन्फिडेंस से चला रहा है, तो देखते हैं कहाँ पे घुमाने लेके जाता गगन हमको। तो गाइस अभी यहाँ पे मम्मा जी और पवन गए हैं कुछ खाने के लिए। सुबह आपको पता ही है कि ब्रेकफास्ट इतना अच्छा नहीं था, ले भी थैंक यू, अभी हम समोसा खा रहा हूँ गाइस। तो गाइस मम्मा जी यहाँ पे खा रही है वड़ा, लेके लग रहा है मम्मी को पसंद नहीं आया। हाँ यही वाला 180। तो गाइस अभी यहाँ पे ऐसे धूप में घूम रहे हैं शॉपिंग करने के लिए, मतलब यहाँ का टेम्परेचर गाइस हमारे राजस्थान के हिसाब से तो बहुत ही कम है। ये मैंगो शेक पी रहा हूँ, इसकी बहुत इच्छा हो रही है पीने के, लेकिन ये पी नहीं सकता क्योंकि कल इसने इतना ठंडा खा पी लिया कि इसके गले में दर्द होने लग गया। तो गाइस इतनी सारी शॉपिंग कर ली मम्मा जी ने यार, सिर्फ मैं मम्मा जी की शॉपिंग है के लिए, बाकी अभी गाइस लंच करने के लिए जा रहे हैं, क्योंकि सुबह से बस छोटे मोटे स्नैक्स ही खा रहे हैं। खाना आपने यहाँ पे मंगवा लिया है, इस बार खाने में दाल मखानी और तंदूरी रोटी। A few moments later, वहाँ से लंच वगैरह करके फ्री होके दोबारा आ चुके हैं शॉपिंग करने के लिए। मम्मा जी सिर्फ आ चुके हैं शॉपिंग करने के लिए, हम तो साथ में आए हैं बस। तो भाई अब हम जा रहे हैं गोवा की एक बहुत ही फेमस जगह पे, और किधर जा रहे हैं आपको वहीं पर पहुँच के बताता हूँ। हाँ तो भाई हम आए हैं यहाँ के बहुत फेमस चर्च में, जो पता नहीं कितने सालों पुराना है। कितने साल पुराना है पवन? 10। अबे जा बे। तो ऐसी है चर्च, आप देख सकते हो बहुत सारी मूवी की शूटिंग वगैरह भी इस चर्च में हो चुकी है। एग्जाम्पल के लिए मेरे को सिम्बा याद आ रहा है अभी तो बस, लेकिन पता नहीं और भी बहुत सारी मूवीज़ है शाहरुख खान सलमान खान वगैरह की। अब यहाँ पे इस पवन की फ़ोटो खींची जा रही है। मुझे आज तो एक बात समझ नहीं, लड़के के पास इतने पोज कहाँ से आ जाते हैं फ़ोटो खिंचवाने के। बस यहाँ के लोकल रहने वाले लोगों से पता लगाया मैं, दुकान वालों से बेसिकली, ये जो चर्च है ये बस बेसिकली क्रिसमस के टाइम पे खुलता है, तब जाके अंदर एंट्री मिलती है आपको चर्च के, नहीं तो ये लोग जो है ना गाइस ये बस सीढ़ियों से यहीं तक जा सकते हैं, जहाँ पे आपको उंगली दिखा रहा हूँ। क्या आप हमें लिफ्ट दे सकते हैं? तो भाई इस कार में बैठ चुके हैं अब, और अब निकल रहे हैं ऐसे। तो गाइस अभी फाइनली यहाँ पे पहुँच चुके हैं बीच में, जो गोवा की अधिकतर लोग है ना गोवा बीच को सोच के ही आते हैं कि हाँ भाई बीच होएगा, पानी होएगा, मज़े करेंगे। यार यहाँ पे आते धूप इतनी तेज कैसे हो गई समझ नहीं आ रहा।
बता रहा हूँ गाइस, अभी तक इतना कमाल का मौसम हो रहा था, अचानक से इतनी धूप आ गई, तो वैसे पवन इसके मुंह से जा रहा है। ये कहाँ से निकल गया तू, समझ गया? समझ गया भाई, अब अचानक से मौसम इतना और सो हो गया यार, देखो तो सही, फुल क्लाउडी मौसम हो रहा है। यार यहाँ पे बीच के लिए अगर आपको कुछ गेम्स वगैरह खेलने तो उसके लिए भी बने हुए नेट वगैरह। भाई ये देखो मम्मा जी अभी वहीं पे वीडियो बना रही है, क्या बोलूँ बेचारा, फुल बहुत फंसा हुआ है। सर बता रहा हूँ, हवा इतनी ज़्यादा तेज़ आ रही है यहाँ पे, इतनी ज़्यादा तेज़ क्या बताऊँ, और अगर पुलिस वाले सबको हटा भी रहे हो क्योंकि शायद से लहरें बहुत ज़्यादा तेज़ हो रही है। अरे पवन पानी के अंदर जाना, पानी के अंदर जा। और गाइस फिर थोड़ा सा चलने के बाद दोबारा वहीं पे बैठ गया, ये इसको ऐसे बैठ पवन आगे जा, नहीं तो जा रहे जा यार तू कुछ। अबे यार तो गाइस ये पूरी मिट्टी उड़ के जा रही है आगे तक, है डेयरिंग पवन आ ज्यादा आगे, लेकिन अभी लहर जैसे आएगी ना वैसे पीछे हो जाएगा देखना। फटी पवन की फटी 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 यार अकेले इतना मजा कर रहे हैं यार, बढ़िया लग रहा है कितना। इस पवन के पैर कितने गंदे दिख रहे हैं यार, डरावने भी दिख रहे हैं। तो भी दोबारा खा रहे हैं, बैठ चुके हैं, बाकी अब चलते हैं होटल वापस। 10 minutes later अभी घर पे आते चाय वगैरह पी के सोने, लाते चाय वगैरह पी के थोड़ी देर सो गए थे हम सब, बाकी अभी क्या हम सब रेडी हो चुके हैं, गाइस अभी हम सब रेडी हो चुके हैं कैसीनो जाने के लिए। पवन ये क्या पहन लिया? अब मम्मा जी और पापा जी का फिर से फोटो सेशन स्टार्ट हो चुका है, आज भी हमें बहुत सारे शोज होने वाले हैं, फूड वगैरह सिस्टम वही रहने वाला है, शायद से मेन्यू थोड़ा बहुत चेंज हो। तो गाइस फाइनली पहुंच चुके हैं कैसीनो के बाहर, और हाँ गाइस यहाँ पे पहुँचते कल की तरह मेरे और पवन के स्टैम्प लगी, मम्मा जी पापा के गोल्डन कार्ड मिला है, और अब हम जा रहे हैं डायरेक्ट अंदर, आपको सीधा वहीं से दिखाता हूँ। तो गाइस बोट में बैठ चुके हैं फिर से, गाइस आज सच में बाउंसर्स बहुत ज़्यादा हो रहे थे, आपको बोट के अंदर भी दिख रहे होगा पीछे। इस वजह से गाइस डायरेक्ट बफे सिस्टम जहाँ पे चल रहा था ना वहीं पे जाके मैंने वीडियो ऑन करी है, क्योंकि गाइस अगर इनको दिख जाता है वीडियो बना रहा हूँ तो थोड़ी दिक्कत ज़्यादा हो जाती गाइस। और मैं भेल पूड़ी खा रहा हूँ अभी। अरे पवन यहाँ पे भी चिली चिकन खा रहा है, गाइस सच बता रहा हूँ इस मून पे आगे से कम और पीछे से आवाज़ बहुत ज़्यादा आ रही थी।
यादों में खो गया अपनी और उसकी। वैसे उसकी से मेरा मतलब पढ़ाई था, इसको गलत मत समझना। ये वो एशियन कल के सारे मैच दिखा रहे हैं सेम। क्या चिल्ला रहे सब पीछे। यहाँ पे मैं खाना हाथ लग रहा हूँ, आज खाना मजा बनेगी। सब्जी मिक्स दाल, ये मशरूम की सब्जी है, ये कॉर्न पालक है, रोटी है। कैसा कितना रोटी इतनी पतली है ना, क्या बताऊँ। बाकी यहाँ पे सॉन्ग को एंजॉय करते हुए खाना खा रहा हूँ। और हाँ गाइस, इस समय तक शो वगैरह सारे ख़त्म हो चुके थे और पवन और मैं वेटिंग एरिया में वेट कर रहे थे पापा जी और मम्मा जी के आने का। बाकी बहुत ज़्यादा बोर हो रहे थे यहाँ पे। हम पवन की शक्ल देख सकते हो, नींद भी बहुत ज़्यादा आ रही थी इसे। बाकी इसको कैमरा दिख गया था इसे, थोड़ी शक्ल ठीक ठाक बना रहा था, नहीं तो और ज़्यादा गंदी बना रहा था नींद के चक्कर में। और सबसे ज़्यादा कमाल की बात पता है क्या थी, कि यहाँ पे है ना सोना अलाउड नहीं था, नो स्लीपिंग का बोर्ड भी लगा हुआ था और जो भी सोता है ना बाउंसर आके उसको जगाने लग जाते थे कि सर यहाँ पे सोने का नहीं है, सो मत, ऐसे ऐसे करके। तो गाइस आज भी 3 बज चुके हैं रात के। और गाइस अब यहाँ पे बोट में बैठ के मम्मा जी मैं और पवन घर पे जा रहे थे बस। वैसे पापा जी तो अंदर ही है, पापा जी अभी गए, थोड़ी देर में आएंगे। बाकी हम पहले आ चुके हैं गाइस यहाँ पे, हमारी कार भी आ चुकी है। पापा जी जो हमने रेंट पे कार ली थी ना वो भी पार्किंग में खड़ी हुई है, वो लेके आएंगे। और हम कैसीनो, हाँ कैसीनो की कार से ही जा रहे हैं अभी। तो गाइस फाइनली होटल पहुँच चुके हैं। तो गाइस सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि है ना कैसीनो के अंदर ऐसी बहुत सारी जगह होती है जहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लग जाती है कि आप फोटोज भी नहीं खींच सकते, मोबाइल निकाल ही नहीं सकते इनडायरेक्टली। तो मैं आपको हर चीज़ नहीं दिखा पाता हूँ कैसीनो में, तो जितना दिखा पाता हूँ ना गाइस उतना दिखा दूँ आपको। तो हाँ गाइस, आई होप आपको आज लोग पसंद आए हो। कुछ भी पसंद आया तो लाइक कर देना, अगर जब नया हो सब्सक्राइब कर देना। मिले नेक्स्ट लोग में कल सुबह। थैंक्स फॉर वॉचिंग। और हाँ आज गए 5 बजे पहुँचे घर पर, सुबह के 5 बजे। बाय।